समर देल भी साहब काफी बीमार भी थे, वो काफी लंबे टाइम से। ये मुफ्ती मोहम्मद मियां समर देल भी मेरे बड़े भाई थे, हमारे जायदाद भाई थे, वो आलिम थे, फाजिल थे, नेक इंसान थे। और सुन्नी उलमा के दरमियान, सुन्नी तबके के दरमियान उनका काफ़ी एजाज व इकराम था। और आलमी सुन्नियत आज उनके इंतकाल पर और हम सब लोग उनके इंतकाल पर पसमानदगान के लिए हम ताज़ियत पेश करते हैं। उनके भाई हैं अहमद मियाँ साहब, असलम मियाँ साहब, अकरम मियाँ साहब और उनके साहबजादे हैं इमाद निज़ामी उर्फ मोहम्मद उसैद अहमद कादरी। तो उन सभी हजरात और तमाम उनकी बहनों की खिदमत में और अपनी तमाम रिश्तेदारों की खिदमत में हम ताज़ियत पेश करते हैं। और जो तबक़ा सुन्नियत अहले सुन्नत वल जमात में जो एक खला पैदा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो ज़रूर खला पुर होगा। और अल्लाह ताला मोहम्मद मियाँ समर दहलवी साहब को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और तमाम अहले ख़ानदान को, तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इमाम साहब, दिल्ली में कितना नुकसान होगा? ये अच्छे बड़े बुजुर्ग थे, लाखों इनके मानने वाले लोग हैं। देखिए, बहरहाल एक ज़बरदस्त खला है जो सभी हजरात आप देख रहे हैं जनाजे में, सभी इजहार रंजो गम के साथ जनाजे में शरीक हो रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त इल्मी नुकसान है और उलमा अहले सुन्नत वल जमात इसको बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। बहरहाल उनकी खिदमात काबिल क़दर हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी खिदमात के सिले में उनको ज़रूर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इनको ब्लड का